संहिता 37 उसकी एक आयत में लिखा, कुकर्मियों के कारण मत कुढ़। बोलो अपने पड़ोसी को, कुकर्मियों के कारण मत कुढ़। बुरे काम करने वालों के कारण मत कुढ़। कुटिल काम करने वालों के विषय टाह ना कर, क्योंकि वो घास के समान कट जाएंगे और हरी घास के समान मुरझा जाएंगे। यहोवा पर भरोसा रख, भला कर, देश में बसा रहे और सच्चाई में मन लगाए रहे। यहोवा को अपने सुख का मूल जान, वह तेरे मनोरथों को, तेरी इच्छाओं को पूरा करेगा। तारीफ करो जोर से। परमेश्वर ने वचन में कहा, जब तू ऐसा व्यक्ति देखे जो कुकर्मी हो पर उसके काम सफल हो रहे हो, उसके कारण मत कुढ़। जब तू एक ऐसा व्यक्ति देखे जो व्यभिचारी हो पर फिर भी आशीष ले रहा हो, दुनियावी आशीषों में हो, उसके कारण मत कुढ़। और परमेश्वर को उसके विषय में तू कंप्लेंट मत कर कि तू धर्मी है लेकिन संघर्ष कर रहा है और एक कुटिल कुकर्म करने वाला व्यक्ति ब्लेस्ड है। जो वचन आज आपने सुना, जब हम नूह के बेटों को देखते हैं तो जिस बेटे ने नूह को नंगा देखा था उसको श्राप मिला था, उसके वंश को मिला था श्राप। और बाइबल ऐसा कहती है, अगर आप ध्यान से बाइबल को पढ़ें, तब भी उस श्रापित वंश के सारे बच्चे दुनियावी तौर से आशीषित रहे बहुत साल। क्या आपने कभी गौर नहीं किया बाइबल में कि परमेश्वर अब्राहम को क्यों कहता था कि मैं तुझे कनान देश दूंगा? इसराइलियों को क्यों कहता था मैं तुझे हित्तियों का, अमोरियों का, यबूसियों का, कनान का देश दूंगा? क्या क्या दुश्मनी थी परमेश्वर की कनान से? क्योंकि वो कनानी, वो हित्ती, वो सारे जितने आप वंश पढ़ते हैं जो परमेश्वर ने कहा था मैं तुमको दूंगा, वो सारे उसी बेटे के वंश हैं जिसने अपने बाप को नंगा देखा था। आप नींद में देख लो, उसी हाम से निकला होगा नूह के बेटे से। आप मिस्र देख लो, वो नाम आपको वहां मिलेगा। वही योना ने भी नीनवे को गया था तौबा करवाने के लिए उनकी, क्योंकि वो परमेश्वर से दूर थे। और किसका वंश थे वो? उसी बेटे का जिसने पाप किया था। और अगर आप बाइबल की गहरी स्टडी करें, आपको मालूम होगा कि नीनवे जो शहर था उसको बार बार लूटा जाता था, बार बार वो प्रॉब्लम में फंसता था, बार बार उस पर अटैक होते थे। इसके बावजूद फिर भी उनका मन नहीं किया कि वो परमेश्वर की ओर मुड़े। इसलिए मैंने कहा कि इतना फायदेमंद है धर्मी रहना, क्योंकि एक पापी अगर आशीषित भी हो जाए तो बाइबल कहती है उसकी आशीष बनी नहीं रहेगी। और परमेश्वर धर्मी का ध्यान रखेगा, उसके वंश का ध्यान रखेगा। वो आज सफर कर सकता है, आज मुश्किल में हो सकता है, पर कल उसी का यीशु मसीह के नाम में। मैं घोषणा करता हूं, कल आप गए चर्च, वो आपके बच्चों गए, वो आपकी फैमिली गए, आमीन ऊंचा है तो ये आशीष आपकी। इसलिए मैंने कहा कि इतना फायदेमंद है धर्मी रहना, क्योंकि पापी अगर फलवंत भी हो जाए तो वो कटने के लिए होगा। बाइबल कहती है जब परमेश्वर ने जल प्रलय के द्वारा सारी पृथ्वी का नाश किया, नूह और उसके तीन बेटे, उसकी तीन बहुएं और उसकी पत्नी बची, और एक लड़के से फिर पाप शुरू हुआ और उसका कारण नूह खुद था। बाइबल कहती है उसने इतनी शराब पी कि वो बेसुध हुआ। इसलिए बाइबल कहती है मदिरा चाहना रईसों को नहीं फपता। अगर आप स्पिरिचुअली रईस होना चाहते हैं, मदिरा आपको नहीं फपती, वो आपके लिए नहीं बनी। शैतान जितने मर्जी आपको वचन से, आपको एग्जाम्पल से, लेकिन वो रॉन्ग रॉन्ग ही रहेगा हमेशा। हालेलुया। और वो व्यक्ति जिन्होंने अपने बाप के नंगेपन को ठका, बाइबल कहती परमेश्वर ने उन्हें फलवंत किया और आने वाले सभी देश ब्लेसिंग्स परमेश्वर ने उन लोगों के लिए रखी। वो आप देख लो, आपने धर्मी की साइड पे रहना है या अपने शरीर की इच्छाओं को पूरा करना है। अगर आप धर्म की साइड पे रहेंगे, यीशु मसीह की साइड पे रहेंगे, होली स्पिरिट की साइड पे रहेंगे, तो एंड में विक्ट्री आपकी होगी। शैतान आप पे कब्जा नहीं कर पाएगा। आमीन छोटे चर्च, आप मेरी बात को समझ रहे हैं कि नहीं? एक पापी जितना मर्जी फलवंत क्यों ना हो जाए, इसका मतलब यह नहीं है कि परमेश्वर उसके साथ है। एक व्यक्ति पाप करने के एक महीने बाद दुनियावी रूप से अगर आशीषित हो जाए, इसका मतलब यह नहीं है कि परमेश्वर ने उसके पाप को लीगल कर दिया या एक्सेप्ट कर लिया। आपने आज चूज करना है, चुनना है आपने किस तरफ रहना है, परमेश्वर की तरफ, शरीर की तरफ, शैतान की तरफ, किसकी तरफ आप रहना चाहते हैं।
अगर आप परमानेंट रहना चाहते हैं, ब्लेस्ड रहना चाहते हैं, स्ट्रॉन्ग रहना चाहते हैं, आपको परमेश्वर की तरफ रहना पड़ेगा। आपका शरीर मानेगा नहीं, वो आपको अपनी ओर लेके जाएगा, लेकिन उसके अलग नुकसान है। आप सुरक्षा से बाहर हैं, आप अपने आप के ऊपर हैं, और कब तक चलेंगे अपने आप के ऊपर रह के। जिस नगर की सुरक्षा यहोवा नगर है, जागने वाले का परिश्रम व्यर्थ होगा, बाइबल कहती। आप तैयार हैं धर्मी रहने के लिए? देखो कितनी बड़ी इनकरेजमेंट है ये, कितनी बड़ी इनकरेजमेंट है बाइबल में, कि उन लोगों का क्या हुआ जिन लोगों ने परमेश्वर का साथ नहीं रखा। कि जो लोग धर्मी रहे हैं बाइबल में, परमेश्वर ने उनकी सुधि ली है, एमरजेंसी में उनका साथ दिया है, उनको छोड़ा नहीं, उनको त्यागा नहीं। और कई बार हम इतने मंद बुद्धि, या आप कह लो कि डंगर बुद्धि हो जाते हैं, पशु बुद्धि हो जाते हैं, कि हमें अपनी लाइफ के आसपास हो रही घटनाओं से यह समझ नहीं आता कि परमेश्वर हमें क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। जब नीनवे पे अटैक होते थे और बार बार उनको लूटा जाता था, उन्होंने कभी यह कोशिश नहीं की है जानने की कि हम उस वंश से निकले हैं जिन पे परमेश्वर का श्राप है और हमको परमेश्वर की ओर मुड़ जाना चाहिए। लेकिन उन्हें लगता था कि ये नॉर्मल चीजें हैं, घर में सब तरह की मुश्किलें, ये नॉर्मल है, सबके घर ऐसे ही, फाइनेंशियल ट्रबल सबके ऐसे ही है, बीमारियां घर में लमक रही है, टपक रही है, सबके घर ऐसे ही है। नहीं भाई, सबके घर ऐसा नहीं। हालेलुया। वो इतने सेंसिटिव नहीं थे ये देख सकते कि हम भी अटैक क्यों हो रहे हैं बार बार, हमें इन अटैक्स के नीचे क्यों हैं, हमें बार बार क्यों लूटा जा रहा है, क्योंकि हम यहोवा से दूर हैं और उस वंश के बेटे और बेटियां हैं जो वंश परमेश्वर से दूर था और जिसपे परमेश्वर का श्राप था। इसलिए आज जब एक व्यक्ति मूर्ति पूजा घराने से निकलते हैं, बाइबल कहती है जो मूर्तियों को पूजेगा उस पर श्राप रहेंगे, क्योंकि वो ना बोल सकती ना सुन सकती, और तुम भी ऐसे ही हो जाओगे। लेकिन हम कभी भी इतने सेंसिटिव नहीं होते कि इतने ट्रबल हमारी फैमिली में क्यों है, क्योंकि परमेश्वर से हम दूर हैं और श्रापों के नीचे। और जब हम सेंसिटिव हो जाते हैं, अलर्ट हो जाते हैं, और अपनी लाइफ के आसपास की घटनाओं से समझने लगते हैं कि परमेश्वर हमें किस दिशा की ओर लेके जाना चाहता है, तब आपका राइज, आपका ऊपर जाना तब शुरू होता है यीशु मसीह के नाम में, तब आपका फलवंत होना शुरू होता है, आगे बढ़ना शुरू होता है, आप उन बंधनों को तोड़ते हैं जो आपकी फैमिली में वंशों से आपके अंदर घुस चुकी हैं, वो चीजें समा चुकी हैं आपके अंदर, वो श्राप, वो बीमारियां, वो शैतान के कब्जे, आप उनसे निकलते हैं यीशु मसीह के नाम में। और मैं घोषणा करता हूं, आज जो व्यक्ति तौबा के मूड में आया और तौबा करके जाएगा, आप छूटेंगे और छुड़ाने वाले होंगे। मैं नहीं जानता ये आमीन किसका ऊंचा, लेकिन मैं एक बात जानता हूं कि जो सीरियस है आज, मैंने कहा आप छुड़ाने वाले होंगे और छूटेंगे भी यीशु मसीह के नाम में, आप छूटेंगे और छुड़ाने वाले भी होंगे। आमीन ऊंचा, तो ये बरकत आपकी है चर्च। हालेलुया। अब शैतान के पास बहाने हैं, अभी तू जवान है, उसके पास बहाने हैं, अभी तू बूढ़ा है, अभी तू अधेड़, उसके पास 500 तरह के बहाने। वो नहीं चाहता आप छूटें, वो नहीं चाहता आप सेंसिटिव हो, वो नहीं चाहता आप चीजों को रिकॉग्नाइज करें, पहचाने जो आपके आसपास हो रही प्रॉब्लम। प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम यह है कि उसकी उत्पत्ति कहां से हुई। प्रॉब्लम गरीबी नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि वो गरीबी कहां से पैदा हुई। अगर तो वो पैदा हुई है परमेश्वर की परीक्षा से, कि परमेश्वर एक साल, दो साल, ढाई साल आपको उस फाइनेंशियल ट्रबल से निकालकर आपको मजबूत करना चाहता है और ब्लेस करना चाहता है, तो यह अलग बात है। लेकिन अगर उसकी उत्पत्ति आपके अपने पापों और श्रापों और उन चीजों के कारण हुई है जो बाइबल में मना की गई हैं, तो वो आपकी उन्नति के लिए नहीं, आपको डाउन करने के लिए और शर्मिंदा करने के लिए। और जब हम अपनी शर्मिंदगी को देखते हैं कि किस कारण ऐसा हुआ और उसको सुधारते हैं, आप सेंसिटिव हो जाते हैं और आपको मालूम होता है कि अगर ये परमेश्वर की ओर से, मेरी लाइफ में ऐसा कोई गुनाह नहीं, कोई पाप नहीं, कोई ऐसा शेक नहीं है जो मेरी थैली में हो, तो आप निश्चिंत हो जाते हैं कि परमेश्वर मेरे साथ है और इसमें से वो भलाई को पैदा करेगा। और अगर ऐसा नहीं है, आपको मालूम है कहीं शेक है, कहीं गुनाह है, कहीं कमियां है, कहीं प्रार्थना नहीं है, कहीं गलत देखना है, गलत सुनना है, गलत बोलना है, तो आप उसको पहचानते हैं, अपने आप को सुधारते हैं, तब भी आप ऊपर जाते हैं और आपका राइज, आपका ऊंचा जाना शुरू होता है। परमेश्वर आपकी हेल्प करना चाहता है, वो आपकी लाइफ को बोरिंग करना नहीं चाहता,
आपकी हेल्प करना चाहता है, आप अपनी डेस्टिनी को पकड़ सके, वो आपकी हेल्प करना चाहता है, आप आगे बढ़ सके, आपकी हेल्प करना चाहता है, आप दूसरों की हेल्प कर सके, अपने परिवार के मूसा और एलिया बन सके, वो आपकी हेल्प करना चाहता है। और यीशु मसीह के नाम में आपको मसा करता हूं, अपने हाथों को उठाओ, रिसीव कर, बोलो आई रिसीव, ऊंची आवाज बोलो आई रिसीव, आई रिसीव बोलो ऊंची आवाज, सात बार बोलो आई रिसीव, मैं ग्रहण करता हूं, ग्रहण करके बोलो ऊंची आवाज में, आमीन, हालेलुया। वो आपकी हेल्प करना चाहता है, वो आपकी हेल्प करना चाहता है। आप इतने सेंसिटिव हो कि आपके आसपास जो हो रहा है आप उसको पहचान सके, इसका रीजन क्या है। नीनवे का राजा ऐसा आया, एक बार सेंसिटिव आया, पहचान सका कि ये मैसेज जो परमेश्वर का है, बंदे बांजो टाट पहन लिए, ड्राई फास्टिंग की, और परमेश्वर ने उनको मारने का विचार छोड़ दिया, क्योंकि बाइबल कहती है वो भला परमेश्वर, करुणा करने वाला, विलंब से क्रोध करने वाला, जल्दी दया करने वाला, क्षमा करने वाला परमेश्वर। मेरा विश्वास है कि आज आप परमेश्वर की ओर मुड़ेंगे, अपनी चीजों को सेट करेंगे, अव्यवस्थित लाइफ को व्यवस्थित करेंगे, और उस चीजों को देखेंगे जो आपने कभी इमेजिन भी नहीं की। मैं आपकी लाइफ में वो ब्लेसिंग्स देखना चाहता हूं जो आपने इमेजिन भी नहीं की, आपकी लाइफ में वो राइज, वो अपलिफ्टिंग देखना चाहता हूं, वो ऊंचाई देखना चाहता हूं मैं आपकी लाइफ में जो आपने इमेजिन नहीं की। ये परमेश्वर का प्लान है। आप जानते हैं आप यहां दूध पीने नहीं आए, आप वचन का मीट खाने के लिए आए। हालेलुया, मैं आपको वो वर्ड दे रहा हूं, अगर आप इसे एक्सेप्ट करेंगे आप इन छोटी छोटी प्रार्थनाओं से फ्री हो जाएंगे, क्योंकि वो चीजें अपने आप आपकी लाइफ में एंटर करने लगेंगी, आपको मजा आने लगेगा क्रिश्चियन लाइफ में, आपको इसका टेस्ट आने लगेगा इस धर्मी लाइफ का, कि इसका मतलब, इसका मकसद और इसका रिजल्ट आपकी लाइफ में क्या है। अगर आप इसमें चल पड़े तो अपने बच्चों को श्राप मत देके जाओ, अपने गुनाहों का बोझ मत देके जाओ, उनको धर्मी जीवन देके जाओ। आप उनको एक पैग देंगे वो 10 पैग लगाने वाले होंगे, आप उनको आधा घंटा एक घंटा प्रार्थना वाले दिखाएंगे अपने आप को वो 2.5 घंटे वाले होंगे, 4 घंटे वाले, 6 घंटे वाले होंगे। आपके पास्टर को क्या फायदा अगर आप धर्मी जीवन जिएंगे, या परमेश्वर को क्या फायदा अगर आप धर्मी जीवन जिएंगे। यह आपका फायदा है, यह आप ही का फायदा है। बोलो तेरा फायदा अपने पड़ोसी को, बोलो मेरा फायदा है, पड़ोसी को बोलो मेरा फायदा है, ये तेरा फायदा है, ये मेरा फायदा है, आमीन। और यही परमेश्वर चाहता है, प्रॉफिट में रहे, भक्ति सब कामों के लिए लाभदायक, भक्ति मीन गॉडलीनेस, गॉड की तरह सोचना, देखना, चलना और सब काम करना, सब कामों के लिए लाभदायक। आप जब ऐसा चलते, देखते, सुनते, सब काम करते जैसे परमेश्वर करे, बाइबल कहती है आप सब कामों में लाभदायक, आपकी हर एक चीज लाभदायक, हर एक आपका हर एक किया हुआ काम प्रॉफिट में होगा। आमीन छोटे, ब्लेसिंग रिसीव करो, ब्लेसिंग रिसीव करो, आमीन। ऊंचा आशीष ऊंची चर्च, हालेलुया। तैयार हैं आप? तैयार हैं उस प्रेयर को रिसीव करने के लिए? आप परमेश्वर के साथ एक मन हो जाएंगे, आप जब प्रभु के साथ एक हो जाएंगे आप शैतान को डांट सकते हैं। वो लाइफ जो प्रभु को पसंद नहीं, वो जी के आप चर्च में आ गए और फायर फायर बोलेंगे, उसका कोई फायदा नहीं। हालेलुया। आप अपने पास्टर की प्रार्थना से हील तो हो सकते हैं, ऐसे लोग जो खुद वचन में नहीं खड़े, चंगे हो सकते हैं, ब्लेस हो सकते हैं, पर मेंटेन नहीं उसे कर सकते। उसके लिए आपको खुद आपको विश्वासी और संपूर्णता में चलना पड़ेगा। आमीन।